एक जिंदगी की कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कुछ पल के खुशी आज यादों में दफन हो गई। मैं जब भी उस पल को याद करता, बस दिल में दिल से एक ही आवाज आता आता, क्या फिर मुलाकात करोगे ना। मैं अपने दिल में यादों की कुछ पन्ने से जो रखा हूँ, जो मुझे गम में भी खुशी का एहसास दिलाता है। हर पल उसकी बातें, हर पल बिताए लम्हों को हर पन्ने पर लिख रहा हूँ तेरी यादों को। ये प्यार ही कुछ ऐसा है जो गम को छुपा कर मुस्कुराने पर मजबूर कर देती है। मैं अपनी जिंदगी का बेहतरीन दिन मानता हूँ जब मैं उनसे पहली बार मिला था। उसकी सुंदरता का बखान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आंखों की झलक यूँ अनमोल होती हो। उसकी होठों यूँ लाल कमल पंखुड़ी हो। उसके लंबे घुंघराले केश यूँ मानो घुंघराले बादल हो। उसके रूप का बखान मैं अपने शब्दों में बहुत कम ही कर पाया हूँ। अभिजी बहुत तो बस मैं जब भी उससे देखता हूँ, परियों की भांति सुंदरता बिखेरते हुए नजर आती है। उसकी मुस्कान से पाषाण भी जलधारा बन जाती हूँ। अभिजी क्या बहुत अभिजी, उस दिन मैं उससे कुछ कहने नहीं पाया, बस उसे निहारता रहा। ना जाने उस समय भी कितना कम वक्त है जब मैं उसके पास रहता, तो ना जाने दिन कैसे ढल जाता। और जब मैं अकेला रहता पूरी दुनिया घूमने पर भी ये दिन ढलता ही नहीं। हुआ वैसे क्या हुआ, बहुत उस दिन रात को थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। मेरे दिल से बार बार एक ही आवाज़ आ रही थी, क्या फिर मुलाकात होगी या क्या मैं उससे पुनः मिल पाऊंगा। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता उसकी तस्वीर नजर आती कि मैं उस रात सो भी नहीं पाया। दूसरे दिन मैं उस जगह जहां पर उससे पहली मुलाकात हुई थी गया और उसके आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वे गलियों से निकल कर मेरे तरफ आने लगी। उसे आते देख मुझे बहुत खुशी मिला। वो आकर पेड़ के समीप चबूतरे पर बैठ गई। मैं उसी तरफ देखता ही रहता, उससे एक पल भी ओझल होने का सवाल भी नहीं उठ रहा था। आज भी वही रौनक वही मुस्कान, दिल तो कह रहा था कि आज कह ही दूँ। तो मैं बहुत कोशिशों से उसके पास गया। मैं उससे बात करने का हिम्मत जुटा ही रहा था कि वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा था। कुछ वह बोल रही थी तो कुछ मैं बोल रहा था। यूँ बातों ही बातों में कब रात होने को चला पता नहीं। कुछ दिन में वह मुझसे पूरी तरह घुल मिल गई और वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। वह अभिजी की आवाज बहुत को भेजी। मुझे अब एहसास होने लगा था कि उससे भी प्यार हो के मुझे उस एहसास होने लगा उससे भी प्यार हो गया। पर ना वह प्यार का इजहार कर पा रहे थे और ना ही, क्योंकि मैं इससे डरता था कि वह मेरी बातों से नाराज ना हो जाए। जब भी उससे मुलाकात होती तो मैं बस उसे निहारता रहता, वो कुछ गुनगुनाती हो मैं गाता रहता। बस एक सिलसिला यूं ही चलता रहा। आखिर वह दिन आ गया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। वह दिन मेरे लिए बहुत खास हो गया था, क्योंकि उसने अपनी प्यार का इजहार कर दिया था। उस समय मौसम भी सुहाना था, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी। वह दिन मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन था। जब उसने मुझसे प्यार का इजहार किया तो मेरे दिल में खुशी के बौछार लग गए। मैं उस समय झूम कर नाचने लगा और वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उस दिन मुझे लग रहा था कि एक और नई जिंदगी मिल गई है। अब हर रोज मिलने का सिलसिला, हर रोज नई नई